तो गाइज आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा ही था कि हम लोग आ गए थे भाई विधानसभा मेट्रो स्टेशन पर और हम जा रहे हैं मजनू का टीला की तरफ। और ये आ गए थे हम लोग उस सेंटर वाली लोकेशन पे जो गलियों से होते हुए मजनू का टीला में आती है गाइज। और हम इस जगह पे थे और हमने यहाँ पर कुछ खाया भी था। हाँ, वो जो सामने दिख रहा है गाइज, हम लोगों ने उसको भी ट्राई करा था और देखा था यार कैसा टेस्ट था। तो इसे कहते हैं गाइज लाफिंग, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ट्राई करी थी और देखा था कि यार कैसा था स्वाद और कैसे भैया इसे बना रहे थे चॉप कर करके। और गाइज ये हो गई थी हमारी प्रिपेयर लाफिंग की प्लेट और ये हमने टेस्ट करी थी। गाइज अगर जो वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये आ गए हम गाइज एमा कैफे में और अब देखते हैं यहाँ का फूड कैसा है। सो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने टेस्ट करी थी, क्या क्या चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर देखने वाली और कौन सा बढ़िया कैफे था जो मैंने विजिट करा था। सो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। गाइज हुआ क्या है यार, ये कैफ़े तो वैसे 4 फ्लोर का है, मतलब इसमें कैफ़े में 4 फ्लोर्स हैं लेकिन गाइज सबके सब फिलते हैं। तो हमें जाना पड़ रहा था वेटिंग एरिया में। अब चलते हैं गाइज यहाँ के वेटिंग एरिया में क्योंकि चारों के चारों फ्लोर यहाँ पर भरे हुए हैं। मतलब आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा रश रहेगा यहाँ पर, अगर जो आप कभी भी आओगे तो आपको वेटिंग एरिया में वेट करना ही पड़ेगा। सो गाइज ये है यहाँ का वेटिंग एरिया, जब मैं आ गया हूँ यहाँ पर वेट करने और यहाँ पर कुछ समय वेट करना पड़ा था गाइज, आप ये मानो 30 मिनट यहाँ पर वेट करना पड़ा। गाइज ये टेबल ले लिया मैंने और मैं टेबल पर आ गया हूँ अपने, अब कुछ करते हैं यहाँ पे ऑर्डर। सो गाइस सबसे पहले आ चुका है ये मेरे सामने शेक, जो चोको चिप फ्रेपे है। तो ये चोको चिप फ्रेपे टेस्ट करके देखते हैं गाइस, देखने में तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा था ये। और गाइस ठंडा भी था काफ़ी ज़्यादा और गर्मी आपको पता ही है कितनी ज़्यादा थी, लेकिन गाइस इस कैफ़े में ठंडक हो रही थी। सो चलिए करके देखते हैं सबसे पहले इसे टेस्ट। अमेजिंग गाइज, अमेजिंग, बहुत ज़्यादा बढ़िया था ये फ्रेपे। और गाइज सच में बहुत ज़्यादा ठंडक भी दे रहा था और चोको चिप इन लोगों ने इसके अंदर डाल रखे थे जो हम लोग साथ में च्यू भी कर पा रहे थे। सो गाइज 10/10 है कम से कम इस चोको चिप फ्रेपे के लिए, बहुत ज़्यादा बढ़िया था। अब चलते हैं गाइज अगली डिश की तरफ और अगला आइटम मैंने मंगाया था इनका ये चीज़ ग्रिल्ड सैंडविच, इसको भी गाइज फटाफट से टेस्ट करके देख लेते हैं। गाइस सच बता रहा हूँ, अगर जो आपने वो मेट्रो वाला सैंडविच खाया ना, ये वही सैंडविच था मेट्रो वाला, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार टेस्ट था। गाइस जैसा टेस्ट आपका मेट्रो वाला होता है ना, बिल्कुल वैसा ही था ये टेस्ट। गाइस बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी की इसमें मेयोनीज थी और वेजीज वगैरह बस आपस में मिला रखी थी, मतलब सेम गाइस मेट्रो वाला फ्लेवर ही दे रहा था ये। कभी आप खा के देखना मेट्रो पर, फिर यहाँ पर आके देखना गाइस, बहुत ज़्यादा बेकार था ये सैंडविच, मतलब मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इससे अच्छा तो कम से कम बाहर कोई सैंडविच मिलता है, वो ज़्यादा बेटर होते हैं एटलीस्ट। कम से कम मेट्रो वाला सैंडविच इतना ज़्यादा महंगा तो नहीं आता है गाइस। गाइस इस सैंडविच के लिए मैंने पे करे थे 220 रुपीज़ और टोटली वर्थलेस था, मतलब कुछ भी नहीं था इस सैंडविच के अंदर। इसकी जो ब्रेड की क्वालिटी वो भी बहुत ज़्यादा बेकार थी, मतलब गाइज मेरे लिए बोलोगे तो मतलब मैं इसे 1 की रेटिंग भी नहीं देना चाहूँगा क्योंकि इसके लिए मैंने 220 रुपीज़ पे करे थे, लेकिन ये 220 क्या गाइज, ये तो 30 रुपीज़ वाले के भी लायक नहीं है सैंडविच, बहुत बेकार था। आई एम वेरी डिसअपॉइंटिंग विथ इट। सो गाइज अब आ चुका है हमारे सामने नेक्स्ट डिश हमारी, जो कि है हमारा पिज्ज़ा। अब ये जो पिज्ज़ा था गाइज वो था थिन क्रस्ट वाला और इसके अंदर हमने जो टॉपिंग मंगाई थी वो थी हमारी स्पिनच टोमेटो एंड ऑलिव्स वाला मंगाया था गाइज, और ये चीज़ इन लोगों ने भर भर के डाल रखी थी। लेकिन गाइज इसमें से ना मेरे को स्मेल आ रही थी, मतलब खुशबू इतनी अच्छी नहीं आ रही थी कि यार ऊपर से भूख और लग रही थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल नहीं आ रही थी इसमें से। सो गाइज फटाफट से टेस्ट करके देखते हैं।
ये भी बेकार था गाइज़, ये भी बहुत बेकार टेस्ट था मतलब इसका भी गाइज़। अब जैसे देखो खाने के बारे में ऐसा कहना नहीं चाहिए कि खाना बेकार है, लेकिन गाइज़ इसमें जो टेस्ट था ना, मैं आपको झूठ तो नहीं बोलूँगा कम से कम, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सच में खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। ये जो पिज़्ज़ा था ये भी बहुत मुश्किल से ख़त्म करना पड़ रहा है गाइज़, क्योंकि ये जो पिज़्ज़ा है ये भी इतना ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर नहीं दे रहा है गाइज़। और कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ गाइज़, आप भी जानते ही हो कि, लेकिन मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, बस आपको यही बता सकता हूँ कि ये फ्लेवर में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। भले ही इसकी थिन क्रस्ट थी गाइज, और ये टोमेटोज तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहे थे जो इन लोगों ने डाल रखे हैं, बेसिकली ये सूखे हुए टोमेटोज लग रहे थे। सो गाइज, अगर जो आप अभी तक का रिव्यू मानो तो अभी तक के हिसाब से ये जो हमारा चोको चिप फ्रैपे था बस यही बढ़िया लगा था। सो गाइज, मैंने ये पिज़्ज़ा मंगाया था, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था गाइज पिज़्ज़ा, मतलब ये खाया भी नहीं जा रहा है यहाँ पे पिज़्ज़ा, और बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं लगी मेरे को यहाँ पे। और गाइज मैं आपको दिखा दूँ कि अब कितना रहता है हमारा। सो गाइज, इतना थिन क्रस्ट का था ये पिज़्ज़ा, लेकिन गाइज मतलब वैसे फ्लेवर में इतना अच्छा नहीं था, और गाइज ये खाया नहीं जा रहा था सीरियसली। और उसके बाद मैंने बाकी सारी चीज़ें फिनिश कर ली थी, ये चोको फ्रेपे फिनिश कर लिया था, और उसके बाद सैंडविच भी। देन मैंने वेटर भैया को बुला के पूछ लिया कि भैया पैक कर सकते हो तो आप ये पैक कर दीजिए। फिर उन्होंने गाइज ये पैक करके मुझे दे दिया है पिज़्ज़ा। और गाइज आप देख सकते हो पैकिंग तो बहुत बढ़िया, लेकिन यार जब फूड ही ऐसा था तो क्या ही कर लोगे पैकिंग का। सो गाइज अब बस पैक तो करवा ही लिया था, और घर जाके देखते हैं क्या करना है इसका, फिनिश तो करना ही। तो हे गाइज, आई होप यू लाइक द व्लॉग। और आज के व्लॉग में बस भाई इतना ही था, मैंने वहाँ पर जाके यही सब चीज़ें करी थी गाइज। गाइज ये जो एमा कैफे था ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है गाइज, मतलब कि जो फूड था वो बहुत ही ज़्यादा बेकार था गाइज, द फूड वॉज नॉट गुड एट ऑल। सो अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पर पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। गाइज अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, गुड लक।